बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 बजट इन इंडिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग मज़ेदार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो जो आपके लिए होती हैं लाते रहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप 3 स्मार्टफोन लाया हूँ, और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बोनस स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आप सभी के लिए परफेक्ट है और जो अपनी वैल्यू को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन आता है दोस्तों, वो है Xiaomi Poco X3 Pro। दोस्तों 6.67 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि गेमिंग करनी है तो आपके लिए स्मार्टफोन परफेक्ट है। और दोस्तों मिलती है Corning Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन बहुत सही है स्मार्टफोन के अंदर। और दोस्तों Qualcomm Snapdragon का 860 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 7nm बेस टेक्नोलॉजी पर आता है, और ये फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, यानी कि बहुत महंगे स्मार्टफोन में आता है। लेकिन जो स्मार्टफोन का प्राइस है वो है लगभग 16,999 रुपये, यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है स्मार्टफोन के अंदर आपको अगर आप गेमिंग करते हैं तो। 6GB रैम मिल जाती है 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें कि 48MP का मेन कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर। और दोस्तों मिलता है साथ ही साथ 20MP का सेल्फी कैमरा, और सेल्फी कैमरे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। बैटरी की बात करी जाए तो 5160mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 33V के फास्ट चार्जिंग के साथ, और स्मार्टफोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाले हैं, और जायरोस्कोप भी मिलता है। बात करी जाए स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो स्मार्टफोन का अंतरूत स्कोर लगभग 4,53,000 आता है, जो कि बहुत ही सही स्कोर है अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो। चलते हैं दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 2 स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है Realme X7 5G। दोस्तों 6.4 इंच का सुपर एमोल डिस्प्ले मिल जाता है, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek का Dimensity 800U, जो कि 5G प्रोसेसर है और 7nm बेस टेक्नोलॉजी पर आता है, और प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा दमदार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। 6GB रैम मिल जाती है 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दोस्तों 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, यानी कि 4 कैमरे मिलेंगे स्मार्टफोन के अंदर। 8MP का सेकेंडरी कैमरा है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए है, 2MP का मैक्रो लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर। और दोस्तों 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर। अगर आप एक सेल्फी पर्सन है और अंडर 20,000 स्मार्टफोन ढूंढना चाह रहे हैं तो स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और दोस्तों बात कर जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं, और 4300mAh की डिसेंट साइज की बैटरी मिलती है, जो कि 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। चलते हैं दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M51। 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर, 6GB रैम मिल जाती है 128GB स्टोरेज के साथ, यानी कि गेमिंग के मामले में स्मार्टफोन में दम है, डे टू डे यूसेज के लिए स्मार्टफोन परफेक्ट है अगर आप एक सैमसंग लवर हैं तो। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, 12MP का सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 5MP का मैक्रो लेंस एंड 5MP का डेप्थ सेंसर। 32MP का मिलता है दोस्तों फ्रंट कैमरा, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये स्मार्टफोन है सैमसंग का। और दोस्तों 7000mAh की मैसिव बैटरी मिलती है 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ, और स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, और स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है जायरोस्कोप, यानी कि स्मार्टफोन की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के बोनस स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max। दोस्तों 6.67 इंच का सुपर एमोलेड बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। और दोस्तों मिलता है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर, जो कि 6GB रैम के साथ आता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बिग हाईलाइट है वो है इसका कैमरा सेटअप। 108MP का मेन कैमरा मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 5MP का मैक्रो लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर, 16MP के फ्रंट कैमरे के साथ। और दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं स्मार्टफोन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा क्विक है। और 5020mAh की बड़ी बैटरी मिलती है 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ। ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा दमदार है और लंबे समय तक टिकने वाला स्मार्टफोन है। बस दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।